वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज है 16th रोजा और आज मिराज घर पे ही है, छुट्टी कर ली थी उन्होंने। तो अभी मैंने मिराज को काम दे रखा है, घर पे हो तो कुछ फायदा तो कर उठाओ। हाँ, पूरा उठा लो, पूरा पूरा फायदा। और हमने ना सोफे को ऐसे लगा दिया तो बहुत अच्छा दिख रहा है और पूरा स्पेस भी हो गया अच्छा खासा। वैसे मैंने मिराज को काम नहीं दिया, मिराज ने खुद कहा था कि आज मैं पाव भाजी बनाऊंगा, तो इसीलिए मिराज पाव भाजी बना रहे हैं और मैं बनाऊंगी पकौड़े शकौड़े जो भी होते हैं वो बनाऊंगी, और फ्रूट्स वगैरह जो भी होता है वो रहेगा इफ्तार में। तो जाते हैं तैयारी करते हैं क्योंकि शाम के 5 बज गए हैं अभी और 1.5 घंटा ही बचा हुआ है इफ्तार में। घी का क्या करोगे? पकौड़े बनाओगे ना तुम? ये उसमें डलता है क्या भाजी में? इधर तो दिखा लो शक्ल। आंसू आ रहे हैं प्याज में। ये प्याज बहुत तीखा है। तो तुम्हारा तो फेवरेट काम है ना प्याज काटना। प्याज छीलना, अंडे छीलना है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना होगा। काम दे सकता है तुम्हें? दिहाड़ी कितना लोगे? 2500। कोई भी नहीं देगा। हटा दो। तो भाई आज इफ्तारी में मिराज ने मेरी जगह ले ली है और आज मिराज बना रहे हैं पाव भाजी। आता है तुम्हें? नहीं, कोशिश कर रहा हूँ, बन जाएगा। मेरा एग भी बॉईल कर देना, छील देना। और मिराज ने ये काटे हैं, क्या है ये? घिया। घिया इसके पकोड़े बनेंगे और एग के और आलू के भी पकोड़े बनाऊंगी मैं। छोटे छोटे आलू के बना ले, चॉप वॉप मत बनाना। क्यों? ऐसी नहीं, पापा को चॉप। तो पकोड़े और पाव भाजी, अंडा, आलू सब रेडी है। चलो, और यहाँ शरबत भी बन ही चुका है, मैं वो भी बनाऊंगा, टैंग भी बनाऊंगा। मेरे को अच्छा लगता है। मैं भी चलूंगी थोड़ा, उसको सूट देके आई हूँ। कुर्ता दे के आए हो ना तुम? जो रात रात को हम दे के आए थे। तो भाई यहाँ बन गया पकोड़े, अंडे का, आलू चॉप और क्या था, घीये का बन गया। गला नहीं है। अरे तुम करो तो एक बार, एक करो तो हल्के आंच पे। नहीं, वो बन गया है अच्छा। और अब मैं बनाने जा रहा हूँ टैंग मैंगो वाला। अभी आधा घंटा टाइम है। और अभी आधा घंटा टाइम बचा हुआ है पूरा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्यों शांत है। तो भाई हमारा इफ्तार निकल चुका है और आज हम खा रहे हैं नीचे बैठ के। तुम अपना पाव भाजी तो लेके आओ। थक गया मैं, तुमने बहुत काम कराया। क्या करवा लिया मैंने तुमसे? बहुत सारा काम। पाव भाजी बना, बस पाव भाजी का भाजी बनाए हो। अच्छा ठीक है। ये का हल्का से बिता, ऐसे ऐसे हल्का सा पानी डाल और मिराज ने आज पाव भाजी बनाया था, बहुत ही ज्यादा टेस्टी था।
और अभी जो है वो रात के 11:30 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं बाहर। मिराज को जाना है, कुछ काम है बाहर, तो मिलते हैं आप लोगों से बाहर निकल के। तो भाई हम निकल चुके हैं घूमने जाने के लिए, बस ऐसे ही निकले हैं नाइट आउट करने के लिए। आइसक्रीम खिलाओगे? मैं कसाटा नहीं खाता, 10 वाला खा लेना। ठीक। सो गाइस हम घूमते फिरते शाहीन बाग पहुंच गए। हमने सोचा कहाँ जाए तो इधर ही आगे सुनना। और ट्रैफिक इतना है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो हम मेन मार्केट की तरफ से जा रहे हैं शाहीन बाग के। 40 छोटा वाले। और हम मम्मा के घर ही जा रहे हैं, पहले हमने सोचा चलते हैं चाय शाय पी के आएंगे वहाँ से, और वहाँ से कुछ सामान लेना इसलिए जा रहे हैं। तो भाई देखो यहाँ पे भीड़ कितनी है, रात 11:30 हो रहे हैं और दबा के भीड़। भीड़ देख रहे हो भाई, भीड़ देखो क्या दबा के भीड़ है यहाँ पे। इधर दिखाओ, ये अंकल भी बहुत फेमस हो गए हैं ये वाले। शोरमा खा लो, घर से हो गया वापस। और अभी समर को कुछ दिख गया यहाँ पे, कुछ अच्छा ही है, तो आओ देखते हैं क्या दिखा है समर को। आओ देखो देखो, अच्छा तो है समर भाई, कोई सुपर बाइक लेके आ गया मार्केट में, फुल बूम 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 कर रहा है। कौन सी है भाई? रेड क्रॉस है, जम रॉ रॉ कर रहा है। अच्छा है, ले लो भाई। यहाँ पे ना 40 फुटा पे 7700 का कॉर्ड सेट तो नहीं बोलेंगे, पजामा और मस्त सा कुर्ता मिल रहा है, बिल्कुल गजब, और बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन में है। ये ले लो, ये वाइट ही तो लिया है। निकले थे कुछ और करने, और यहाँ देखो भाई 1 2 3 3 3 हो गए, और यहाँ सेल लगी हुई है 40 फुटा रोड पे शाइन बार। ये नाम नहीं, 2 hours later बोलिए जो बोल रहे थे, दोबारा बोलिए। जोड़ी जोड़ी इसको पाइन प्लांट भोपत मार। ये अलग ही भाई, अलग ही चल रहा है यहाँ पे। हाँ तो भाई ले लिया सामान ने, दिखा दो भाई, बाप रे। तो भाई देख रहे हो हम आए थे कुछ और काम से, और हो कुछ गया, यही होता है। चलो लगा दो एक नंबर। अब मैं सोच रही हूँ ना कि इसमें से एक बर्थडे पे पहन लूंगी, अच्छा है ना, खरीदना पड़ता है, उससे अच्छा है कि इस पे पहन लूंगी। सही है। और अभी दावत वगैरह होगा तो उस पे पहन लूंगी। तो भी हम आ गए समर के घर। अरे यहीं पे है, समर के घर आए हैं, मेरी मम्मी का घर है समर के। जैन भाई यहीं पे है लग रहा है। वालेकुम सलाम जैन, गलती से मोटे सलाम वालेकुम। अरे बहुत मच्छर है, अब मैं आया हूँ ना, मेरे को मच्छर ना काटे। हेलो, मैं आया हूँ ना इसीलिए मेरे को मच्छर ना काटे, इसलिए तुम भी नीचे हो आज। बाजी ये देख जरा,
अलीजे के लिए भी मिल जाएगा। तो वही समर यही पिलाने लाई थी चाय, उसने बना दिया पियो। और ये देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है समर का नया कपड़ा। A few inches later, मैं जो ग्रीन वाला सूट ली थी वो जा रही हूँ चेंज करने के लिए, क्योंकि वो पहनी ना तो अच्छा नहीं लग रहा था। और मामा और भाभी भी जा रही हैं, इन लोगों को भी लेना है बच्चों के लिए कपड़े वगैरह देखने हैं, तो हम जा रहे हैं वहीं पे। तुमको सही नहीं लगा मम्मी? ये चोरों वाला काम नहीं करने वाले, कुर्सी की पेटी वाला मौजा मुगलने वाला है। 700 भाई, ये ब्रांड भाई, अजमल भाई, अजमल भाई, ये अजमल भाई। कितने का है? 2 कर दो। मैं गई थी शॉर्मा लेने के लिए, बट बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी तो मैं वहाँ पे रुकी नहीं, और अभी मिराज को बुला रही हूँ, मिराज के साथ जाके लूँगी। 2 hours later. कितना कर दो? टूटे भाई, हम लोग रुके हैं यहाँ पे रेहान स्वीट। सोनू को खाना था रसमलाई, यहाँ पे आके वो खाता है इनकी दुकान पे। और भाई मानोगे नहीं, रात के बज रहे हैं 1:13 कहाँ, रात के 1:13 हो रहे हैं। और ये देखो कौन बोलेगा ये रात के 1:30 बज रहे हैं, इतनी भीड़ है, दबा के भीड़ है। ये देखो हमने नेटवर्क नहीं पकड़ता है, तो भाई भूख भी लग रही थी तो 2 रोल भी ले लिया हमने यहीं से। क्या हो गया? कोई बात नहीं थी, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इनकी बेटी और आप बेटी एक सी रही, तुमने क्यों करे पैसे? चलो भाई चलते हैं घर, भीड़ देख के तो एकदम वो हो जाता है मन।